अपडेट आ रही है कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म फ्रेडी को लेकर के, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ अलाया मुख्य भूमिका में होगी। वहीं फिल्म को शशांक घोष ने डायरेक्ट किया है और इसके रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 2 दिसंबर को हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रवि किशन की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी को लेकर के, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। फिल्म का टाइटल गोरखपुर होगा और इसे भोजपुरी सहित हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज होगी। इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नाइफ्स आउट 2 मूवी को लेकर के, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म में डैनियल क्रेग के साथ मैडलिन क्लाइन, जेसिका हेंडविक, देव बतिस्ता और केट ह्यूसन मुख्य भूमिका में होगी। वहीं फिल्म को रियान जॉनसन ने डायरेक्ट किया है और इसके रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 23 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हॉस्टल जैसे सीजन 3 को लेकर के, जिसका रिलीज डेट अनाउंस हो गया है। सीरीज की एक्ट्रेस एहसास चंदा ने खुद इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। मैं इसके स्टारकास्ट की बात करें तो एहसास चंदा के साथ निखिल विजय, लव, शुभम गौर और आयुषी गुप्ता मुख्य भूमिका में होगी। वहीं इसके रिलीज डेट की बात करें तो सीरीज 16 नवंबर को अमेजन प्राइम पर प्रीमियर होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ KGF और कंटारा के मेकर्स ने एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की है, जिसका टाइटल होगा उत्तराखंड, जिसमें धनंजय और रम्या मुख्य भूमिका में होगी। इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म कुत्ते को लेकर के, जिसका रिलीज डेट पोस्टपोन्ड हो गया है। फिल्म अब 13 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। इसके स्टार कास्ट की बात करें तो अर्जुन कपूर के साथ तब्बू, नसीरुद्दीन शाह, कौन-कौन सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा और राधिका मदान मुख्य भूमिका में होगी। इस मूवी से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म भेड़िया को लेकर के, जिसका नया गाना अपना बना ले आउट हो गया है। गाने में वरुण और कृति सेनन दिख रही है। वहीं फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रिकेट से, जहां श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने धनुष्का गुणतिलका को सभी फॉर्मेट से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल धनुष्का पर रेप का आरोप लगा है, जिसके बाद सिडनी में उसे अरेस्ट कर लिया गया है और इसे टीम छोड़कर श्रीलंका के लिए रवाना हो गई थी। वहीं कल इसकी सुनवाई भी होनी थी, जिसमें इसे बेल नहीं दिया गया। इस केस से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है विराट कोहली को लेकर के, जिन्हें ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। वहीं महिला में पाकिस्तान की नीदा दार को दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एबी डिविलियर्स को लेकर के, जो भारत आए हुए हैं और कल उन्होंने सचिन सर के साथ एक पोस्टकास्ट शूट किया है, जो उनके चैनल पर अपलोड होगा और उनका चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डेविड मलान को लेकर के और रिपोर्ट आ रही है कि वो भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनके जगह पी साल्ट को टीम में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर के, जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट पर सवाल किए जा रहे हैं। जिसके बाद रिकी पोंटिंग ने कहा कि मैक्सवेल को नेक्स्ट कप्तान बनाना चाहते हैं। वहीं फिंच ने कहा कि मैं अभी संन्यास नहीं लूँगा, T20 क्रिकेट मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ अपडेट आता है तो हमको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच को लेकर के और इस मैच के लिए अंपायर की लिस्ट आ चुका है। कुमार धर्मसेना और पॉल रैफल ऑन फील्ड अंपायर होंगे। वहीं क्रिस गेफली थर्ड अंपायर होंगे और रोड टकर फोर्थ अंपायर होंगे। वहीं डेविड बून मैच रेफरी होंगे। अभी इस अपडेट बताने का कारण था क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत खराब अंपायरिंग हुई है, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ है। सो आई होप कि इस बार अंपायरिंग सही हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है IPL को लेकर के और रिपोर्ट आ रही है कि टाइमिन मिल्स, फैबियन एलन और मयंक मारकांडे को मुंबई इंडियंस से रिलीज करने वाली है। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।